Hey guys, welcome back once again to another video. So guys, बहुत ज़्यादा गर्मी है guys इंडिया में अभी फिलहाल. फैन या कूलर ऑन नहीं कर सकता बिकॉज फिर वो नॉइस पॉल्यूशन होगा, साउंड नहीं आ पाएगा प्रॉपरली. सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीजा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स. तो VFS की कंज्यूमर एडवाइजरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कब वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स इंडिया में ओपन होने वाले हैं, क्या आप वीजा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं ओपन होने के बाद, वर्क परमिट स्टडी परमिट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसके गाइडलाइंस क्या होगी या दूसरी कंट्रीज की ट्रेवल एडवाइजरीज क्या होगी. सो आज इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज मैं ऐसे ही स्टडी वीजा, वर्क वीजा और इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज लाता रहता हूं. तो चलिए शुरू करते हैं. Open up. You open up. Bet you won't be me, am I? We should be closer than friends. सो गाइस, कुछ कंट्रीज ने अपने वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन कर दिए हैं बट मैक्सिमम कंट्रीज अभी बाकी है. तो मोस्ट प्रोबेबली कंट्रीज अपने जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स है जून या जुलाई में ओपन कर देंगे. जहां तक रही इंडिया के वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स की बात, तो गाइस वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स 31 मई 2020 तक क्लोज है. इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 1 जून के बाद अपडेट्स आएगी और जून में ओपन हो सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो सकते हैं, श्योर नहीं हूं मैं. ये कुछ कंट्रीज है जिनके लिस्ट मेरे पास आए थे. तो ये कंट्रीज अपनी बॉर्डर्स ओपन करने वाली है. आप डेट्स देख सकते हैं और कंट्रीज की देख सकते हैं. अदर कंट्रीज ने अभी मेंशन नहीं किया वो कब अपनी बॉर्डर्स खोलने वाली, बट ये कंट्रीज अपनी बॉर्डर्स ओपन करने वाली हो और आप इन कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं. इस बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे कि वीजा से रिलेटेड, तो आज हम क्लियर करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चन से फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं क्या वह कंट्री वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है या नहीं. सो गाइस, ये चेक करने के लिए देखिए, आपको पता है कि COVID-19 के इशू की वजह से सबने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए, सबने अपनी ट्रेवल गाइडलाइंस और ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. कुछ कंट्रीज के फंक्शनल है, तो ये चेक करने के लिए कि आपका ओपन है या जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं ओपन है या नहीं, तो उसके लिए काम कीजिएगा गाइस. सिंपल से ट्रिक बताता हूं, www.vfsglobal.com. VFS Global पे ही आपकी वीजा की एप्लीकेशन होती है. तो www.vfsglobal.com जिसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, वहां पर जाइएगा. जैसे ही आप उस वेबसाइट पे ओपन करेंगे वो आपसे पूछेगा किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, किस कंट्री में आप ट्रेवल करना चाहते हो. तो ये दोनों कॉलम्स आप फिल कर दीजिएगा. जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद उस कंट्री की सारी वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और वहां से आप चेक कर सकते हैं कि मैं इस कंट्री के लिए, मतलब जो भी मेरी कंट्री जिसमें मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, वो वीजा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही है नहीं, तो यहाँ से इसे पता लगा सकते. गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद क्या हम वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. सो गाइस, जी हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का उसमें ध्यान रखना रहेगा. पहला कि आप देखिए, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में है किसी भी स्टेट के वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स को ओपन करना. तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना रहेगा कि आपका वीजा एप्लीकेशन सेंटर ओपन है या नहीं. सेकेंड चीज ये ध्यान रखनी रहेगी, अगर ओपन भी है तो जिस कंट्री के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं क्या वह कंट्री वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है, यह भी ध्यान रखना रहेगा. तो इन दोनों चीजों को चेक करने के लिए आपके, जैसे मैंने बताया कि आप www.vfsglobal की साइट पर जाएं और वहां पर जाकर आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों मेंशन कीजिए और वहां से आपको वीजा की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ये भी चीज आप वहां से चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसी कंट्री का, आपके पास वैलिड वीजा है और वो एक्सपायर होने वाला है जल्दी, तो क्या आप एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं. सो गाइज देखिए, हर कंट्री की अपनी ट्रेवल एडवाइजरीज है और वो अभी नॉन एसेंशियल ट्रेवलर्स को डिसअलाउ कर रहे हैं और उनके ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन से बैन से. सो गाइज, इस केस में सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी वेबसाइट्स और कॉन्सुलेट्स पर इंफॉर्मेशन चेक करें कि उनकी ट्रेवल एडवाइजरीज क्या है, राइट. सेकेंड, एक ऑप्शन तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका जो वैलिड वीजा है वो एक्सपायर हो रहा है तो आपको फ्रेश वीजा के लिए अप्लाई करना रहेगा और वो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब यहाँ के VFS ओपन हो जाएंगे. तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है तो आपको फ्रेश वीजा के लिए एप्लीकेशन करनी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने आपका पासपोर्ट सबमिट किया है VFS में लॉकडाउन के पहले और उसकी कोई अपडेट नहीं आई अभी तक. तो गाइस देखिए, यहाँ पर दो तरीके होते हैं आप
आपके पासपोर्ट की अपडेट्स ले सकते हैं। पहला कि आप VFS ऑनलाइन ट्रैकिंग कर रहे हो तो आपको ट्रैकिंग आईडी दी जाती है और वो ट्रैकिंग आईडी को आप ऑनलाइन पुट करते हैं और आप आपके पासपोर्ट की अपडेट देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने SMS सर्विस ऑप्ट की है तो आपको टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आपके पासपोर्ट की अपडेट्स मिलती रहती है। अगर आपको अपडेट्स नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट आपकी वीजा एप्लीकेशन का असेसमेंट नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन होते हैं, आपके वीजा एप्लीकेशन का असेसमेंट होगा और उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट कोरियर के थ्रू आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे मेल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक करके रखी थी एंड सडनली वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स क्लोज हो गए, तो क्या आप सेम अपॉइंटमेंट को यूज कर सकते हैं लेटर या फिर वो रिफंड की क्या सिचुएशन रहेगी? तो गाइस इसमें ये करना रहेगा कि आपको आपकी जो ऑलरेडी बुक्ड अपॉइंटमेंट है, जैसे ही ये वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन होते हैं उसके बाद आपको रीशेड्यूल करने के लिए चेक करना है। तो इसके लिए आप मेल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे जो VFS ग्लोबल पर मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको आप डिजायर्ड कंट्री, जिस कंट्री में ट्रेवल करना है वो कंट्री का नेम लिखिए और आपकी कंट्री का जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वो नेम लिखिए, वहां पर एक ईमेल आईडी मिलेगी, आपको वहां पर मेल कर सकते हैं। और ये भी नहीं होता तो गाइस मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रिफंड से रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट है, रिफंड से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज या एनी अदर क्वेरीज, आप एक मेल आईडी आपको मैं बता रहा हूँ वहां पर आप पूछ सकते हैं customercare@vfsglobal.com। इस मेल आईडी पर, ईमेल आईडी पर आप मेल करके जो भी आपकी क्वेरीज है वो सारी क्वेरीज यहां पर पूछ सकते हो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप अभी वर्क परमिट या रेसिडेंट परमिट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो गाइस देखिए हर कंट्री की अपनी डिफरेंट डिफरेंट एडवाइजरीज है और वो अभी अभी नॉन एसेंशियल ट्रेवलर्स को वीजा एप्लीकेशन करने से रोक रही है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जिस भी कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं, मतलब जिस भी कंट्री के लिए वर्क परमिट या रेसिडेंट परमिट हासिल करना चाहते हैं, उस कंट्री की ट्रेवल गाइड एडवाइजरीज देख लें। वो देखने के लिए आप उसकी कॉन्सुलेट, उसकी एम्बेसी, उसकी गवर्नमेंट और कंट्री की वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आप आपकी कंट्री का, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम डालिए और जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम डालिए, वहां पे सारी वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप किसी कंट्री का वैलिड वर्क वीजा या रेसिडेंट परमिट होल्ड भी करते हैं तो इस केस में आप जा सकते हैं और उसके लिए भी आपको उस कंट्री की ट्रेवल जो गाइडलाइंस है वो चेक करनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्वेश्चंस जो आज हमने जिन पे डिस्कशन किया है वो आपके लिए यूजफुल रहे हो। और अगर किसी भी तरह की अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और VFS ग्लोबल को भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर मैं आप किस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं VFS ग्लोबल पे वो मेल आईडी शेयर कर दूंगा, किस तरीके से आप जिस भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में सर्च करना चाहते हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा। सो गाइज कुछ भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं और प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।